नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोस्ट। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री की। जिस तरीके से पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा है सीबीआई जांच के पहले, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के करीबी इसी कोशिश में लगे थे कि इस मर्डर को आत्महत्या की शक्ल दी जाए। लेकिन जब से यह पूरा मामला सीबीआई के हाथ में गया है, तब से एक के बाद एक गवाह और एक के बाद एक सबूत सामने आते जा रहे हैं। जी हां, वो गवाह जिस पर कोई शक नहीं कर सकता है, कातिल भी शक नहीं कर सकता है, और जो भी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में शामिल है वो भी ऐसे लोगों पर शक नहीं कर सकता है। लगातार ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं कूपर अस्पताल के एक स्टाफ की। फिर से, जी हां, फिर से उन्होंने एक बार ऐसा खुलासा किया है जिससे आप दंग रह जाएंगे। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं कूपर अस्पताल के उस स्टाफ की जिसने सुशांत सिंह राजपूत की लाश को करीब से देखा था और कूपर अस्पताल में सुशांत की लाश के साथ क्या हुआ था, क्या छेड़छाड़ हुई थी, वो सब कुछ उसने चुपके से देख लिया था। जी हां, मैं आपको बता दूं कि पूरा देश यही कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम है वो रात में हुआ था, लेकिन यह बातें एकदम छूटी है। डॉक्टर भी यही कह रहा है कि सुशांत का पोस्टमार्टम रात में हुआ था, लेकिन कूपर अस्पताल के ही एक स्टाफ ने इस बात का दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम 8 बजे सुबह हुआ था। वो इस चीज को दावे के साथ इसलिए कह रहा है क्योंकि वो वही शख्स है जो डॉक्टरों के पास चाय लेकर गया था, लेकिन उन डॉक्टरों को कानों कान खबर नहीं थी कि यह इंसान ईमानदार है, यह इंसान पूरी पोल पट्टी खोल देगा। अब वो इंसान सामने आकर मीडिया को बता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बेरहमी हुई है। जी हां, उसने क्या देखा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से डॉक्टर ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को आत्महत्या की शक्ल दी है। उस आदमी ने सुना है कि डॉक्टर आपस में यह बातें कर रहे थे कि यह 100% मर्डर है, 200% मर्डर है। चुपके से उस स्टाफ ने यह सारी बातें सुन ली थी। उस स्टाफ ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी में क्या देखा था, क्योंकि पोस्टमार्टम के वक्त उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा उस शख्स ने देखा था, उस स्टाफ ने देखा था। उनका साफ तौर से कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के गले पर इतने खतरनाक इंजेक्शन के निशान थे जिससे वो भी दहल गए थे। जी हां, करीब 20 से 25 की संख्या में सुशांत के गले में इंजेक्शन के निशान थे, यानी कि मर्डर के पहले उन्हें तड़पाया गया था। हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो ड्रग्स एंगल आ रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के गले में ड्रग्स इंजेक्ट किया गया हो, उसके बाद उन्हें तड़पाया गया हो, उसके बाद उन्हें काबू में लाया गया हो। उस शख्स ने यह भी देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के पैर के तलवे में कील के धंसने के निशान हैं। क्या मर्डर के वक्त सुशांत ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, उसी दौरान सुशांत के पैर में वो कील गड़ा? और शक तो मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल पर सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के नाखून का सैंपल किसी ने नहीं रखा। नाखून वो सबसे बड़ा गवाह बन सकता था, क्योंकि जब सुशांत की हत्या हुई होगी तो चाहे वो कितने भी ड्रग्स के नशे में हो, कितना भी उनके शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट किया गया हो, उसके बावजूद भी इंसान कुछ ना कुछ सेंस में रहता है, वो अपने बचाव की कोशिश जरूर करेगा। सुशांत ने भी ऐसा ही किया होगा। वो बचाव की कोशिश में, हो सकता है कि उन कातिलों का डीएनए उनके नाखून में आ गए हों, उनके स्किन के खरोंच आ गए हों, उसके जरिए डीएनए का पता लगाया जा सकता था, उस कातिल को पकड़ा जा सकता था। लेकिन कूपर अस्पताल की हड़बड़ी इस बात की थी कि इस मर्डर को आत्महत्या की सजा दी जाए, और मुंबई पुलिस ने भी यही कोशिश की, और यही बड़ी वजह है कि उनके बॉडी के अहम सैंपल के सबूत को मिटा दिया गया, यानी कि पूरे इस मर्डर मिस्ट्री को आत्महत्या की शक्ल दे दी गई। लंबी प्लानिंग थी। उनके पिता ने एक साल पहले यह कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के जान को खतरा है, लेकिन उस पिता को इस बात का शक नहीं था कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो जाएगा, और आखिरकार सुशांत को खामोश कर दिया गया। बॉलीवुड के उन दरिंदों ने, बॉलीवुड के उन माफियाओं ने, और वहां के सिस्टम, सरकार, तमाम ऐसे लोग हैं जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और पूरा देश कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलनी चाहिए। एक के बाद एक इंसान सामने आकर अपनी बातें रख रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के को लेकर
उनके पड़ोसी ने इस बात का दावा किया था कि उनके घर की लाइटें 4 बजे सुबह तक जलती हैं, लेकिन 13 जून की रात को उनकी लाइटें 10:30 बजे बंद हो गई थी। क्या उनका मर्डर 14 जून को नहीं बल्कि 13 जून को ही हो गया था? यह एक बड़ा सवाल है। लाइट ऑफ होना यानी कि शक तो बनता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को पूरा देश आरोपी नंबर 1 मान रहा है और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के घर में ही मौजूद थे 13 जून की रात को भी और 14 जून को भी। उन्हें सब कुछ पता है, हो सकता है कि वो भी इस पूरी साजिश में शामिल हो, क्योंकि सेमुल मिरांडा की बात करें तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत के ठीक पहले सेमुल मिरांडा को कॉल किया था। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बल्कि 20 मिनट तक उनसे बातें की थी। ऐसे में कौन सी जरूरत थी कि रिया चक्रवर्ती सेमुल मिरांडा से बातें कर रही थी? क्या इस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी? यह एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, सेमुल मिरांडा सुशांत के होम मैनेजर थे। रिया चक्रवर्ती 1-2 मिनट बातें उनसे कर सकती है, लेकिन 20-20 मिनट बातें, वो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक पहले, क्या साजिश हो रही थी? उनको भी सुशांत के बारे में ढेर सारी बातें पता नहीं थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती वो सब कुछ जानती थी सुशांत के बारे में, जिसके जरिए सुशांत को काबू में लाया जा सकता है। क्या वही सारी बातें सेमुल मिरांडा को वो बता रही थी? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब यह पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। एक के बाद एक गवाह सामने आ रहे हैं। सीबीआई सुशांत के छत की चक्कर काट रहा है। अब देखना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल कौन है। क्या दोस्त ही दगाबाज है या फिर कातिल कोई और है? जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं उसमें हमारी मदद हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा। नमस्कार।